ये कहानी है भारत के बीचों बीच बसे एक शहर की, जिसे बसाया एक चक्रवर्ती राजा ने। भोपाल का नाम ही भोजपाल से पड़ा। भोजपाल मतलब राजा भोज की बनाई हुई पाल। पाल होता है बांध। इसके पीछे कहानी है कि उसको कुष्ठ रोग हो गया और तमाम नदियों के इकट्ठा करके बांध बनवाया और शिव की उपासना के लिए काम किया। जब भोपाल में इतनी बड़ी वाटर बॉडी बन गई तो निश्चित ही शहर तो बसना ही था, तो भोपाल बसा। जहाँ कई सालों बाद एक रानी ने शरण ली। रानी कमलापति उनकी बीवी थी निजाम शाह की। निजाम शाह को आलम शाह ने मार दिया। रानी कमलापति भाग के भोपाल आई और भोपाल में उनका आउट हाउस था तालाब के किनारे, उसमें रही और पीछे पीछे आया एक खाना बदोश। करजई फैमिली से आया और आने के वक्त वो सिर्फ अकेला था। अपने उस्ताद से दिल्ली में मिला तो उन्होंने कुछ अरबी पढ़ाया और कहा कि क्या चाहते। बोला हम मुगल आर्मी में भर्ती होना चाहते। तो मुगल आर्मी में वहाँ से भर्ती हुआ और इतना डायनेमिक था कि उसके बहादुरी से देखकर कमलापति नानी ने उनको इन्वाइट किया। वहाँ से जो उनके रिश्तेदारों ने षड्यंत्र किया था उनका दमन किया, दमन करके गिन्नौरगढ़ किले का मालिक बन गया। देखिए कहानी एक शहर के बसने, उजड़ने और फिर सवरने की, एक सम्राट की जिसे प्रजा ने देवता की तरह पूजा, गौण रानी की जिसकी प्रतिशोध की अग्नि ने पूरे राज्य को जला दिया, एक खाना बदोश की जो अपनी जिद से सल्तनत का नवाब बना, और चार बेगमों की जिन्होंने अपने समय से आगे रहकर कई काम किए। ये हैं लेजेंड्स ऑफ भोपाल।